गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी तक आप लोगों को 3 डे का वर्क कराया जा चुका है। इसमें आपने ये फर्स्ट डे किया था, सेकेंड डे आपने इसको किया था और थर्ड डे आपने इसको किया था। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन था, सबसे पहले इन बिट्स को समझना था और इनको रिप्रेजेंट करना था। आज हम लोग एडिशन देखेंगे कि कैसे हम एडिशन करते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन के लिए। तो सबसे पहले हम आज बिना फार्मूले वाले, इसमें एक स्मॉल फार्मूला होता है, एक बिग फार्मूला होता है, या स्मॉल फ्रेंड्स और बिग फ्रेंड्स भी कहते हैं, तो उसको हम लोग कमिंग क्लासेस में सीखेंगे। आज हम लोग विदाउट फार्मूला के ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जो आपका फोर्थ डे का जो ये एक्सरसाइज है वो विदाउट फार्मूला का ही है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। देखिए ये यूनिट प्लेस है और हमेशा कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप अपनी नोटबुक में देखिए, अगर मुझे ऐड करना है 1 + 1 + 1, आपको ऐड करना है 1 + 1 + 1, तो 1 हमने यहाँ पे शो किया, फिर हमने इसमें +1 ऐड कर दिया और फिर हमने इसमें +1 ऐड कर दिया। तो अब इसका आंसर बच्चों कितना आएगा? तो यहाँ कितना दिख रहा है, 1, 2, 3, तो इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का उसको करते हैं। तो सबसे पहले 2 है, 2 + 1 + 1, तो 2 है तो सबसे पहले 2 बिट्स को आप पिंच इन करेंगे और इसके बाद इस 2 में 1 को ऐड करेंगे और इसके बाद फिर से 1 को ऐड करना है। तो अब कितना आंसर आया जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 1, 2, 3, 4, तो आंसर आ गया आपका 4। चलिए जो थर्ड क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे यूनिट प्लेस हमेशा 1 + 2 + 1, तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आपका 4। चलिए कुछ माइनस वाले भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2, तो 2 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया 2 + 1, और फिर क्या करना है इसमें से -1 करना है, तो -1 कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर कितना आ गया 1, 2। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। इसमें बच्चों आपको करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ब्रेन डेवलप करेगा और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 2, अब इसमें से क्या करना है, -1 करना है और फिर इसमें क्या करना है, +1 करना है। तो अब ये कितना हो गया, आंसर कितना आया 2। तो आपको अपनी ये जो बुक मिली हुई है आपको इसमें इसी तरह से करना है, ऐसे ओरल करके मत लिखिएगा। अभी आपको लगेगा कि ओरल आप जल्दी कर लेते हैं, बट हमको क्या करना है, अभी हमें अबाकस की प्रैक्टिस करनी है। तो जब प्रैक्टिस करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस अबाकस टूल की यूज से आपको करना है। तो इसमें क्या हो गया, तो हम लोग कौन सा कर रहे थे, 6 वाला करना था हमको, तो ये 1 हो गया, +3 ऐड करना है, तो ये हमने 3 ऐड कर दिया। अब इसमें से क्या करना है, -2 करना है, तो -2 कर दीजिए। आंसर कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, क्लियर, कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे। तो आपको इसमें सबसे पहले 4, तो 4 आप 4 बिट्स को आप कर लीजिए, पिंच इन कर लीजिए। -2 करना है तो -2 कर दीजिए, फिर -1 कर दीजिए। कितना आंसर आया आपका, तो आंसर आया 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आज हम लोग 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सबसे पहले 1 है, प्लस क्या करना है, 3 करना है, +3 कर दिया हमने, इसको पूरा अच्छे से टच होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, -4, तो -4 कर दिया। अब आंसर बार पे 0 है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 0 है, तो आंसर इसका हो गया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, 2 हमने शो कर दिया, उसके बाद फिर +2 करना है तो फिर +2 कर दिया हमने, फिर -3 करना है तो -3 कर दीजिए। आंसर कितना आया, 1 आंसर आया है, 1 शो हो रहा है ना, तो आंसर आपका 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 3 ऐड किया हमने, 3 इसमें से -1 करना है, 1 सब्सट्रैक्ट करना है और -2 सब्सट्रैक्ट करना है। आंसर कितना आया, 0। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपकी ये जो सीट है इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 15 क्वेश्चन है, इन 15 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।